हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आए हो आप सब अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो अभी 8:30 बजे हैं सुबह के, और अभी काम तो वैसा निपटा दिया मैंने। धूप था पहले पहले, बस रोटी का काम रह रहा है। रोटी बनानी है, सब्जी बना दी है, और अभी चलो दूध गर्म कर देती हूँ। पहले दूध आज बनाई है लौंगी खाने में, और कुछ दाल रखी है शाम की चने की। तो चलो अभी रोटी सेक लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे सुबह निपटा के चले जाते हैं नीचे, 10:30 या 11 बजे लोग चले जाते हैं नीचे। वैसे तो 10:30 बजे निपट जाता है काम हमारा ऊपर छत का, बस नीचे भी झाड़ू से पोछा कर देते हैं, झाड़ू पोछा बस निपटा था सारा। और ये मेज सही करनी है मुझे, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा करा था ना, और यहाँ पर देखिए धूप की आड़े निकलती है, हवा नहीं है आज जरा से भी। 2-3 दिन से बड़े हवा चल रही थी, कल भी हवा बड़े चली और आज आज नहीं है। देखिए आज तो पत्ते से भी नील रहे नीम के, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर पानी बदल देती हूँ मैं चिड़ियाओं का, कि हमारे पास ना मिट्टी का बर्तन नहीं है, तो इसलिए इसमें रख देती हूँ मैं। पानी गर्म करने के लिए रख दिया, इधर आटा बना दिया, सब्जी बना दी। सुबह सुबह आ रहा धनिया, वो पुदीना देखे कितना कर दी। पुदीना ले रहे 1 किलो कर दे भाई, कुछ सुखा लेंगे कुछ चटनी बना लेंगे। पुदीना मैं निकाल रही हूँ आम, आम निकाल लिया इन्हें धो कर रख दे रखे थे मैंने, इप्पे धो देती हूँ उन्हें। और पुदीने की चटनी बनानी है मुझे, पुदीना आज ही लिया था सुबह के टाइम। देखिए नहीं बनाए थे ना इसके, कल करवा था तो परसों लाए थे पापा जी, और अमित भाई भी लाए थे। इतना मन से नहीं करता दोपहर में चाय पीने का, तो इसलिए भी बना लेते हैं हम कभी बनाने का और कभी आम का। अमित भाई भी आ चुका है ड्यूटी पे से, इसके लिए बना देती हूँ, और भाभी आ गए सबके लिए बना देती हूँ। भाभी बना दी आज, मैं ना खुद ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए रसोई में जा चुकी है रोटी ले आज हमारी, क्या है रसोई में है, क्या ढूंढ रहे हैं आप? पानी लेना, चल पानी धरू आपको निवास ठंडा सा। चलो पर है देखिए बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही आज, चलो पीछे ही हो जाओ पीछे ही। चलो नहाओगे ना आप हैं, नहाओगे? आम नहीं खाने वे, बाद में दूंगी आम आपको। रह जाए सारे निकाल दे मैंने सेब और ये चिल्ला से हैं। चलो कटिंग कर दिया है, यहाँ पर करने हैं मुझे इसमें। तो चटनी का भी सामान मैंने सामान साथ साथ ही रेडी कर दिया, और इसमें ना हल्की सी मलाई डाल ली है। देखती हूँ आज मलाई से कितनी स्वाद आती है। देखिए पुदीना अभी साफ करी थी मैं, ये वाला बाद में साफ कर दूँगी, इसे सुखाना है धूप में, इसे नीचे भी रखा ना। और ये दूध है, दूध ले लेती हूँ, पहले आम डाल देती हूँ उसमें। शक्कर डाल देती हूँ इसमें, देखिए तो इसमें बादाम डालेंगे हल्के हल्के, ऊपर से कटिंग कराया गगन भाई, मैं दिखाती हूँ। काजू नहीं है, अभी फिर 6:30 बज चुके हैं, वो पीले चावल चटनी मैंने बना दिया है, बस रोटियाँ रह रही सेकनी। थोड़ी सी हवा लेने के लिए आई थी मैं बाहर,
बरामदे में, क्योंकि आवा तो चल रही नहीं, पंखे ही आवा में टाइम पास कर लेते हैं अपना। और अभी मैं रोटियां सेक के ना अपना रोटियां सेक दूँगी, रोटी पानी पूनी पी लेती हूँ पहले। गर्मी में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, जितनी रोटी नहीं खाई जाती जितना प्यास लगती है पानी की। गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ना तो बारिश आ रही है ना ही हवा चलती है सही सी। एक दो बार चली हवा, एक दो दिन चली हवा, इसके बाद में तो कोई हवा नहीं चल रही, और बारिश का तो नाम ही नहीं है। शाम का समय है जी, देखिए 8:30 बज चुके हैं और रोक्सी को नहा दिया है, पापा जेब में बैठे हैं, तो यहाँ पर बरामदे बैठ जाते हैं शाम के टाइम, पंखा चल जाता है और अपना खाना पीना खाकर फिर आराम से लेट जाते हैं, या थोड़ी बहुत देर टीवी देख लेते हैं बैठक में। अब तो आईपीएल चल रहे थे, चलो एक मैच रह रहा, ये वर्ल्ड कप चल रहा T20 वर्ल्ड कप, तो चलो जी शाम के टाइम का दिया लगाएंगे, तो पूजा लगाएगी दिया भैया, तो बाहर की लाइट जला दी मैंने, एक लाइट रह गई जलने में, जल गई तीनों, हाँ तो लाइट जला दी, रह गया तीनों लाइट जला दी ऊपर तक की बाहर की, और शीशों पर जो है दौड़ जाएंगी जी, अब बरसात होगी जब भी दौड़ उतरेगी, क्योंकि सबसे ऊपर जो है शीशों पर दौड़ जाएंगी सामने वाले, तो बरसात आएगी जब ये दौड़ साफ हो जाएगी। चलो जी, तो लाइट तीन ऊपर की तीन नीचे जला दिया है, बराबर ही जलती है वैसे तो। चलो शाम के समय का दिया जला दिया जी, जय माता दी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, राम राम जी, कैसे आप सब, आई होप क्या सब अच्छे हो, और हम सब अच्छे हैं। तो बैठे हम तीनों, शिवानी पूजा और मैं, तो बैठे थे खाना खाने के बाद, और दो तीन दिन से तबीयत खराब थी इसलिए ब्लॉग में नहीं आती है बात, तो इसी कारण ये ब्लॉग में नहीं आ पा रही थी, तबीयत खराब थी नहीं, और पूजा के लिए काम कर रही थी, कुछ काम भी करा जो कि इनसे होगा वो काम इन्होंने किया है, लेकिन आराम आराम जैसे किया, आराम का टाइम था, आराम कर लिया है। और जी 24 मई जो कल थी, आज 25 मई है, तो कल 24 मई को जो है निशा प्रशांत भारद्वाज जी का जन्मदिन था, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज है जी 25 मई, आज जो है किसी जन्मदिन है, एक तो आरती है जी, उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरा जी भूल गए, त्रिशा जी है, उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैंने अभी सूची दिखाई थी ना, स्क्रीनशॉट दिखाई थे ना, तीन तो दिखाए थे ना, तो त्रिशा का नाम भूल गए थे, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटी है वे, नाम उनकी माता जी का नाम भूल गया, चलो मैं फिर कोई बात नहीं, उनका तो नाम ले दिया, और इधर ये भी आ रहा है देखो, घूमता फिरता कहाँ से आया, क्या लगा चार्जर, क्या करना चार्जर था, इसे कब जाए, तेरी वजह तो दूसरी बेल ले रखी रेडिया, कब जाऊँ वो ले लो अपने बोट की, बोट बिछा दिया बोट, उन्होंने भेजी वही ऑर्डर दूसरी वाली पहले वाली कर दी, अरे मुझे पसंद नहीं बोट वाट सी की है, ये 1+ का मोबाइल मेरा, 1+ की लीड एयरफोन एक नंबर ही चले, और रोक्सी यहाँ कूलर में सोती है, देखिए है रोक्सी, एसी को फेल कर जाएगी, एसी को फेल कर दे, तो गांव में एसी की तो वैसे जरूरत है नहीं, ये कूलर ही है, कूलर में पानी गिर के ठंडा ताजा सा, और एसी वाला काम करते हैं, एसी मतलब उड़ रहा है ना, बाहर बाहर भीतर आना जाना रहे, एक उस बैठक में मिलेगा,
एक बार को मिल गया इसका मतलब लगा मैं ऊपर से पंखा चार गए मैं लगा मैं सब तक ठंडी आ रहा है इस कमरे में ये लट्टे में इस कमरे में लगे हैं नहीं हम लेटे इस कमरे में बराबर वाले में इसमें लेटे हैं इसमें लेटा है वो जिसमें बेड वो पड़े संदूक पड़े ठंड लगा है सब बिना पंखे के और यहाँ से हमारे कमरों में ठंड रह जी वैसे बिना पंखे देखो अपने जो पंखा चला रखा नज़र कूलर चल रहा पसीना देखो बहुत ठंडा सा पसीना आ रहा क्योंकि थोड़ी जी गोटर सी हो जाए ना कमरे में हाँ चलो जी तो आज के अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं राम राम जी और जल्दी मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग में और कल जो है चलो जी कल जो है अच्छे से लोग मिलेंगे नई शुरुआत के साथ काफ़ी दिन हो गए तो मैं देखो शिवानी को बता रहे कि शिवानी नहीं आ रही पूजा पूजा वो लोग बना रही तो इसलिए मैंने भैया शिवानी के साथ वो लोग बनाया थोड़ा सा ड्यूटी से आने के बाद तो खाना पीना सब हो चुका है राम राम जी तो आज अपना कमरा खाली कर दिया वहाँ से चलो जी लैपटॉप उठा लो है और प्रिंटर उठा लो और गिलास विलास कर ले चल जाएंगे खड़ा ना करो जुटा लो से हाँ खराब हो जाएगा ना बस नहीं पकड़ना आपने तो यहाँ पर कमरा ले लिया जी देखिए एक कमरा है हमारा भैया ऑफिस बन जाएगा भैया दो रूम वाला ऑफिस ये बालकनी खुल जाए इधर इधर ही आंगन है उधर वॉशरूम है टॉयलेट ये रसोई हो गई जी ये मंदिर भी है इधर मंदिर बना सकते हैं और ये आंगन हो गया हमका ग्राम का और एक कमरा ही हो गया जी एक रूम लाइट वगैरह सब सुविधा है और पंखे भी लगे हुए यहाँ पर चलो और सामान कर लाएंगे आज है शुक्रवार तो सामान लग दिया मैंने और यहाँ पर है नीचे का फ्लोर मतलब पूरा खाली बना दी नीचे से ये बैठक पूरी खाली खाली है लॉक लगा दो इसका बस चलते हैं ये मेज हमारी टॉयलेट बाथरूम ऊपर नीचे सारी जगह है